फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आप देख रहे हैं टेक्नोमेट, और अगर आपने अभी तक टेक्नोमेट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे टेक वीडियोस लेके आती रहूँगी। तो आइए शुरू करते हैं। वीडियो कॉलिंग उतनी ही आसान जितनी पॉसिबली इन दिनों मिल सकती है। आप इसे कंप्यूटर्स, मोबाइल डिवाइसेस और यहाँ तक कि टैबलेट पर भी कर सकते हैं। यह पॉपुलर और वाइड स्प्रेड है, जो आपके पास एक बहुत ही बेहतरीन ऑप्शन पेश करता है। अपने दोस्तों या परिवार के साथ वीडियो चैट करने वाले लोगों के लिए बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, या अगर आप चाहते हैं तो अजनबी तक से वीडियो कॉलिंग कर सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे एंड्रॉयड के लिए बेस्ट वीडियो चैट ऐप्स के बारे में। आप इसे नीचे दिए गए लिंक से आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला बहुत ही वेल नोन फेसबुक मैसेंजर टेक्स्ट एंड वीडियो चैट फॉर फ्री। फेसबुक मैसेंजर प्लैनेट पर सबसे पॉपुलर मैसेंजिंग ऐप में से एक है। हम जानते हैं कि बहुत से लोग इसे पसंद नहीं करते हैं। हम सहमत हैं, इसे अभी तक बहुत सारे कामों की भी ज़रूरत है। हालांकि ऐसे कई लोग हैं जो फेसबुक का उपयोग करते हैं। फेसबुक मैसेंजर समझते हैं या नहीं समझते, वीडियो चैट एक्सपीरियंस रिलेटिवली अच्छी तरह से काम करता है। सिर्फ आप जानते हैं कि अधिकांश लोग फेसबुक पर इसलिए ऐप यूज़ करना चाहते हैं क्योंकि वो न्यू प्लेटफॉर्म में शामिल होने के मायने नहीं जानते। इसके अलावा नए एड्स रोलिंग बहुत अच्छे नहीं लगते। ये सही है, लेकिन शायद इस लिस्ट में वीडियो चैट ऐप्स का सबसे कन्वीनियंट वे है। कम से कम ये फ्री तो है। नंबर टू, गूगल डियो। गूगल डियो एसेंशियली रूप से फेस टाइम का गूगल का जवाब है। यह अवेलेबल सबसे सिंपल वीडियो चैट ऐप्स में से एक है। आप बस लॉगिन करें, अपना नंबर वेरीफाई करें, और आप जानते हैं इससे अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता। आप अन्य गूगल डियो यूजर्स को वीडियो कॉल कर सकते हैं, जैसे कि एक नॉर्मल फ़ोन कॉल कर रहे हैं। इसमें नक नक नामक एक फीचर भी शामिल है, जो आपको वीडियो कॉल का जवाब देने से पहले ये दिखा देगा कि आप क्या देखना चाहते हैं। ऐप क्रॉस प्लेटफॉर्म है, इसका मतलब है कि यह iOS और एंड्रॉयड के बीच में काम करता है। अफवाह यह है कि कंप्यूटर सपोर्ट इवेंचुअली के लिए एक वेब वर्जन आ रहा है। यह वीडियो कॉलिंग ऐप्स के लिए जितना आसान है उतना आसान ये रियलिटी में भी है। ये सच में बहुत अच्छा है। नंबर थ्री, हैंगआउट। गूगल हैंगआउट गूगल का फ्लैगशिप मैसेजिंग ऐप होता है। यह आपके गूगल खाते में जुड़ा हुआ होता है। आप ईमेल के साथ सेवा के लिए दोस्तों को इनवाइट कर सकते हैं। यहाँ से आप चेक वीडियो कॉल, यहाँ तक कि वॉइस कॉल भी कर सकते हैं। वास्तव में आप एक साथ 10 लोगों तक वीडियो चैट कर सकते हैं। यह एक मॉडर्न इंटरफेस का यूज़ करता है। यह यूज़ करने में काफ़ी आसान है। कृपया ध्यान दें कि इवेंचुअली हैंगआउट्स को बिजनेस यूज के लिए भेजा जाएगा। गूगल जियो गूगल का करंट वीडियो चैट ऐप है। यह कल्पना नहीं किया जा सकता कि इसमें कुछ फीचर्स बदले गए हैं, इसलिए इसे थोड़ी देर के लिए वीडियो चैटिंग का एक एक्सीलेंट ऐप में रखा जा सकता है। आप इसे फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं और इसे देख सकते हैं। नंबर फोर, IMO फ्री वीडियो कॉल एंड चैट। IMO एक साधारण वीडियो कॉलिंग या चैट ऐप है। इसमें 2G, 3G, 4G और LTE नेटवर्क के लिए कंपैटिबिलिटी है। उन लोगों के लिए अच्छा माना जाता है जो वॉइस कनेक्शन पर फंस चुके हैं। यह iOS और Android दोनों के साथ कंपैटिबल है। अन्यथा इसके लिए बहुत कुछ नया नहीं है। यह एक बुरी बात नहीं है। टेक्स्ट चैटिंग और वीडियो कॉलिंग के अलावा इस ऐप में आपको एक सिंपल एक्सपीरियंस है, वापस पकड़ने वाला कोई ब्लोट नहीं है। यह डाउनलोड और यूज़ करने के लिए फ्री है। केवल एक चीज़ जो आपको डील करने की आवश्यकता है वो है कुछ एड्स। नंबर फाइव, जस्ट टॉक फ्री वीडियो कॉल एंड फन वीडियो चैट। जस्ट टॉक कम ज्ञात वीडियो चैट ऐप में से एक है। हालांकि ये वास्तव में बहुत सभ्य है। कृपया आप अपने ऐप को थीम के रूप में थीम करने में सक्षम होते हैं। इसके अतिरिक्त आप प्रोसीडिंग्स में थोड़ा मजा जोड़ने के लिए वीडियो कॉल में डूडल जैसी चीज़ें भी कर सकते हैं। इसमें ग्रुप चैट, इंस्क्रिप्शन और क्रॉस प्लेटफॉर्म सपोर्ट भी शामिल है। ऐप डाउनलोड और यूज़ करने के लिए फ्री है। इन ऐप परचेसेस थीम्स और अदर पर्सनलाइजेशन पर्क्स जैसी चीज़ों के लिए होती है। वे रियल में फंक्शनैलिटी को अफेक्ट नहीं करते। नंबर सिक्स, स्काइप फ्री IM एंड वीडियो कॉल। स्काइप किसी भी प्लेटफॉर्म के लिए सबसे पॉपुलर वीडियो चैट में से एक है। इसमें PC सहित मोस्ट प्लेटफॉर्म पर नेटिव ऐप्स हैं, जो वहां के बेस्ट क्रॉस प्लेटफॉर्म ऑप्शन में से एक बनाता है। एंड्रॉयड निश्चित रूप से सही नहीं है, लेकिन आमतौर पर यह पूरा काम हो सकता है। आप 25 लोगों तक ग्रुप वीडियो कॉल कर सकते हैं। ऐप में एक फ्री टेक्स्ट चैट, माइक्रोसॉफ्ट और फेसबुक अकाउंट इंटीग्रेशन भी है, और आप मामूली फ्री के लिए रेगुलर सेलफोन भी कॉल कर सकते हैं। ऐप को अभी भी काम की ज़रूरत है, लेकिन सर्विस स्वयं जितनी अच्छी तो उतनी अच्छी मान सकते हैं। नंबर सेवन, वेबर मैसेंजर। वेबर मैसेंजर और वीडियो कॉलिंग ऐप के रूप में
विवर ने वॉइस कॉलिंग ऐप के रूप में जीवन शुरू किया। आप लोगों को रेगुलर फोन कॉल्स के साथ सर्विस पर कॉल करने में कैपेबल होते हैं। ये तब भी एक फुल फ्लैश मैसेजिंग सर्विस में इन्वॉल्व हुआ है। आप अभी भी फोन कॉल जैसे आप पहले करते हैं कर सकते हैं। आप टेक्स्ट चैट, वीडियो कॉल आदि भी कर सकते हैं। इसमें वॉइस, टेक्स्ट और वीडियो कॉल पर डिस्क्रिप्शन भी शामिल है। हिडन हुए चैट गेम्स और कुछ अदर स्टेप्स भी हैं जो आप इमेजिन कर सकते हैं। ये थोड़ा सा फुला हुआ है। अच्छी खबर यह है कि विवर टू विवर टेक्स्ट, वॉइस और वीडियो कॉल पूरी तरह से फ्री है। नंबर 8, व्हाट्सएप मैसेंजर। व्हाट्सएप ये तो एक सबसे पॉपुलर मैसेजिंग ऐप्स में से एक है। ये केवल कुछ ही है जो 1 बिलियन से अधिक एक्टिव यूजर्स का दावा कर सकता है। कुछ समय पहले फेसबुक के खरीदे जाने पर यह एक टेक्स्ट चैट सर्विस के रूप में शुरू हुआ था। तब से ऐप ने वॉइस कॉलिंग, वीडियो कॉलिंग और कई अदर फीचर्स को इंटीग्रेटेड किया है। वीडियो कॉलिंग काफी अच्छी तरह से काम करती है और आपको इसका यूज करने में कोई भी समस्या नहीं होगी। फेसबुक द्वारा चलाए जाने के बाद हर कोई इस ऐप पर भरोसा नहीं करता, लेकिन आप केवल कुछ ऐसा काम ढूंढ रहे हैं जो काम करता है या स्थिर है तो कोशिश करने के लिए एक बहुत ही बेहतरीन ऐप है। नंबर 9, कैरियर एंड OEM वीडियो चैटिंग। जैसा कि यहाँ पता चल रहा है, OEM चैट्स और कैरियर वीडियो चैट के लिए अपने हाथों के मामलों के लिए लिए गए हैं। वेरिजॉन, टी मोबाइल और अन्य समेत कुछ कैरियर द्वारा बचे गए प्रत्येक फोन पे वीडियो कॉलिंग बनाते हैं। आप सर्विस पर किसी के भी साथ जल्दी और आसानी से वीडियो चैट कर सकते हैं। इस प्रकार का टी मोबाइल पर गैलेक्सी S7 वाला कोई भी व्यक्ति, टी मोबाइल पर LG V20 वाला कोई भी व्यक्ति डायलर ऐप से सीधे एक दूसरे से फोन कर सकता है जैसे आप फोन कॉल कर रहे हैं। वे थोड़ा सा प्रतिबंधक है, लेकिन आप वास्तव में उनका यूज कर सकते हैं तो वे बहुत अच्छी तरह काम करते हैं। हमें आशा है कि समय के साथ इन ऑप्शंस का एक्सपेंडेड किया जाएगा। नंबर 10, बिजनेस लेवल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। वहाँ बहुत से वीडियो लेवल के वीडियो चैट ऐप्स हैं। वे कंज्यूमर लेवल की फंक्शन से अलग अलग काम करते हैं। एग्जाम्पल के लिए स्काइप, व्हाट्सएप और गूगल व्यू। गूगल हैंगआउट जैसे कुछ की कंपेयर में फाइल शेयरिंग, उपस्थिति लेने और कॉन्फ्रेंसिंग टूल्स पर बहुत अधिक जोर दिया जाता है। गूगल हैंगआउट धीरे धीरे इस स्टाइल के लिए अपना रास्ता बना रहा है। कुछ अन्य अच्छे ऑप्शंस हैं जूम, सिस्को वेबेक्स मीटिंग्स, गोटू मीटिंग और कुछ अन्य भी शामिल हैं। कीमतें अलग अलग होती हैं, लेकिन सॉफ्टवेयर आमतौर पर ठीक काम करता है। हालांकि हम केवल इन्हें बिजनेस यूज के लिए रिकमेंड करते हैं, वे इस लिस्ट में दूसरों की तरह डेली मैसेजिंग के लिए नहीं बनाए गए हैं। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर करिए। अगर आपके मन में कोई भी सवाल या सुझाव है तो कमेंट करना मत भूलिए। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू।